गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आईएएस लवर मनीष कुमार संजय पेंटू शिवानी किंग रणवीर। हाँ, एग्जाम में बहुत देर लग रहा है, नहीं लगेगा अब आपकी ही। अगले सप्ताह हम 5 दिन लेंगे, इस सप्ताह थोड़ा इसलिए बिजी थे कि कल हमारे स्कूल की टूर प्रोग्राम होने वाली है, बच्चे लोग को भेजना है बस से, उसी का नाश्ता वास्ता का प्रबंधन के लिए चले गए थे। थोड़ी सी इस सप्ताह भर आपको आज लेते हैं, इसके सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार 5 दिन लेंगे। एक दिन किसी दिन दिक्कत हो तो हम अगले दिन ले लेंगे, परंतु आप चिंता ना करें, 4 दिन का सप्ताह में एवरेज रहेगा। हम अनाउंसमेंट कर दिया करेंगे, नीचे अपडेट देखेंगे, डेली पूछना नहीं है। ओके, अजय स्वीटी सरगम अमित प्रदीप प्रजापति रणविजय सत्यम दीपक धनंजय, ये सभी लोग जो हैं पहले से इंतजार भी कर रहे होते हैं। आज प्रोस सेक्शन में हम चलेंगे एग्जाम आइडिया के लिए। एटम बम, आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं, कल से आपका नोट्स जाने लगेगा, कल आपके ग्रामर के कुछ चले जाएंगे, प्रोस सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के कुछ कुछ चले जाएंगे। ठीक बाद आप लोग अगले सप्ताह में एटम बम भी प्राप्त कर रहे हैं, 2-3 दिन नोट्स फिर एटम बम। एटम बम अपना डाउनलोड कर लेंगे, बाकी नोट्स वगैरह आपको फ्री जो कही गई है वो दिए जाएंगे। थैंक यू, चलते हैं हम लोग। ये देखने में पतला है, अब मोटा मोटा किताब पढ़ने का समय नहीं। मैंने क्लास में कल दिखाया था कई गेस्ट पेपर्स, ब्रिलियंट वगैरह बहुत फेमस गेस्ट पेपर, ऐसी कोई दो मत नहीं है, परंतु उसमें हमने दिखाया कि देखो भाई, आप देखो समरी तो खैर टोटल उसमें दे दिया, साथ ही साथ लेसन वाइज आपको शॉर्ट क्वेश्चन उसमें दिया है, जैसे क्लास में हम लोग देते हैं। एसेज 59 है, हम 10-12 पर ले जाएंगे आपको, उसमें भी फिर 8-7 कर देंगे, और क्या कर सकते, कुल मिलाकर के 25-30 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देंगे, पोएम वगैरह में बहुत सारे गुना में कम जाएगा। अपने यहाँ केवल देखते रहिए और उतना भी नहीं कीजिएगा, साल भर की पढ़ाई है, चैप्टर की संख्या 10 है, 11 प्रोज है, 21 है, आप समझ रहे होंगे। आइए, जितना हो सकता है एग्जाम एक्सप्रेस 2024 के लिए लाइव क्लास है। आप जानते होंगे कि पिछले वीक 10,000 लगभग एटम बम हम गिरवाए थे, 1 से 1.5 दिन भी नहीं चला, कुछ दुकानदारों ने ले लिया, कुछ स्टूडेंट्स ने, फिर हिंदी की कल आई है और इंग्लिश की सुबह आ रही है कल 10 बजे, तो फिर चलेगी, अभी मिलेगी, एग्जामिनेशन तक काउंटर पर मिलने की संभावना, लेकिन गारंटी कोई चीज की नहीं है, क्योंकि 50,000 एटम बम मुश्किल से सब मिलाकर छपा ही है, तो ज़्यादा नहीं, पहले 1-1 लाख देते थे, अब कमा दिए हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद मार्केट की स्थिति थोड़ी सी दिक्कत हुई, ज़्यादा बच जाएगा तो हम लोग को लेन देन पड़ जाएगा। आइए चलते हम लोग प्रोज सेक्शन में। ए पिंच ऑफ स्नैप एक स्टोरी है जिसको लिखा गया किसके द्वारा, जवाब दें या मैं देता चल जाऊं? हा, रिशु राजपूत मिल गया है सर, ठीक है, समस्तीपुर वाला, ठीक है। तो मनोहर मालगांवकर ये देखें, बहुत अच्छा आंसर बी आ गया, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत लोग तेजी में दे रहे हैं। आइए अब देखकर के देखो, ठीक ना, वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, इन चारों में से कौन आ रहे थे दिल्ली कुछ मिनिस्टर से मिलने, कभी हाईलाइट भी कर देंगे, कभी चिन्ह भी मार देंगे, कभी उंगली से बता भी देंगे, जैसी टाइम वैसी काम। चलो बहुत अच्छा सरगम, हम देखते हैं तुम्हारा वास, बहुत अच्छा, आपका कोचिंग से एटम बम मिलेगा सर, कितने में? कोचिंग से बाबू 60 रुपया प्रति विषय है, 2 साथ में लोगे 115 है, उसके जगह पर 110 मिल जाएगा, मार्केट में भी लगभग मिल जाती है 115 में, कोई 110 में भी दे सकता है, क्योंकि अपनी मुनाफा कम कर लेता है, तो यहाँ तो ब्रांडिंग है, तो यहाँ तो कीमत को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा देखिए। अब सी जैसे कि सही है, नानू काका आपका हो गया, आंसर्स आपके पास है, ठीक ना। Who took a pinch of snuff from his snuff box? इन चारों में से कौन ऐसे आदमी हैं जो स्नफ, खैनी का महीन बुरादा, इसको सुंघनी कहते हैं, नोइस, अपने चिनोटी से सुंघा था, इन चारों में से कौन? चलिए बहुत अच्छा, 3 का ए बोल रहा है लोग,
विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आइए हम लोग चलते हैं ए की ओर, नहीं तो ए। निश्चित रूप से आपका जवाब हो रहा है और हम आपको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। एक बार चैप्टर वाइज बनाएंगे, तीन दिन प्रोज में, तीन दिन पोएट्री में, छः दिन बचा कुछ है, एक दिन मान लो सात दिन, दो दिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, नौ दिन फिर ग्रामर के, सात आठ दिन, पंद्रह सोलह दिन, और बीच बीच में आपको लॉन्ग शॉर्ट भी हम टिक लगवाते जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद चार पाँच दिन आपका मॉडल उडल बता देंगे, अंतिम भी आपका गेस हम बताते हुए, गेस में गेस, और तब छोड़ देंगे। 20-25 क्वेश्चन, 20-25 दिन ही क्लास मुश्किल से हो पाएगी, क्योंकि टाइम भी अब 6 सप्ताह ही है, चार चार दिन भी होगा तो 24 क्लास। अब आइए, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था? आंसर्स, नेम डीके ऑफिशियल, नेम लेने से नहीं, अब नेम पर कम ध्यान। यहाँ पर देखो लाइव में सिर्फ नाम लिया जाता है, बाकी रिकॉर्डिंग ही क्लास अच्छे होते हैं, परंतु तो तुम लोग समझते नहीं हो, वॉचिंग टाइम टीचर को ज़्यादा मिलता रहता था, लाइव 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 और रिकॉर्डिंग में कोई अंतर नहीं, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डिंग में भी, परंतु लाइव में सिर्फ थोड़ा चैटिंग हो जाता है और कुछ नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आना शुरू हो गया, देखते हैं। बी बोल रहा है लोग, रतिराम जो है सोहन लाल रतिराम का लड़का था, वास्तविक बात है, आप सही हो, चलो बहुत अच्छा उम्दा आंसर। और इसी तरह हम चौथे पांचवें क्वेश्चन पर आ गए, नानू काका विल स्टे, नानू काका ठहरेंगे, कितने दिन ठहरेंगे, अपने आप को अजमाओ मेरे बबलू। बच्चा अहिर, विद्यानंद, धनंजय, राहुल है ना, आलोक यादव, बहुत अच्छा बनाते हो स्वीटी, देखते हैं। 5 का ए, 2-3 डेज, गुड मेरे बच्चे, आप लोगों ने 2-3 डेज, दो तीन दिन ठहरने की बात थी, गुड, अच्छा उम्दा आंसर आ रहा है। सबका नाम सब में लेना संभव नहीं है, है ना। इज वेरी प्राउड ऑफ हिज मैटरनल अंकल, इन चारों में कौन ऐसे हैं जो अपने मामा पर, अपने मामू पर में बहुत प्राउड ऑफ हैं, गर्व करते हैं। चलिए 6 का ए, स्वीटी बहुत तेजी में बना रही हो, बहुत अच्छा। नैरेटर, इसमें दो ही मुख्य हीरो हैं, है ना, नानू काका तो हैं, एक नैरेटर है, नैरेटर मतलब कथनकार, दोनों नहीं। नानू काका रोट ए चेक फॉर, नानू काका कितने का चेक लिखे थे, क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसको समझिएगा, मेन पॉइंट समझा रहेगा तो आप कभी बना लीजिएगा, ठीक ना, एकदम हीरो बनो पूरा फार के। हाँ शिवानी 6 का ये तो हो गया, सरगम 7A, बहुत लोग नंबर नहीं लिखता है, स्वीटी चलते रहो कन्हैया, है ना, 1000 रुपीज जिनका है उन्हीं का सही है, गुड। 1000 का चेक लिखा था, सब लोग लगभग अभी तक ठीक ही गा रहे हैं। अब देखते हैं आगे, आशुतोष आर्या मेरा नाम लीजिए, नाम लेने में क्या रखा, काम करो। नानू काका मैनेज ए कार फ्रॉम सिक्का ऑटो डीलर, अब पूछा किस डीलर से, सिक्का ऑटो डीलर से, किसकी मदद से, तो धोबी की मदद से, यानी कि वाशरमैन की मदद से। तो नानू काका एक कार का मैनेज किया था सिक्का ऑटो डीलर में, बाय द हेल्प ऑफ ए, किसकी मदद से, 8। सरगम बहुत तेजी में जवाब देते हो, बहुत अच्छा। सरगम 8 का सी, स्वीटी बोल रही है, हम देखते हैं, पेंटर नहीं 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 धोबी, जिनका बी सही है उन्हीं का सही है, धोबी वाशरमैन की मदद से, धोबी को कोट दिया था धोने का, उसमें रख दिया था, अरे धोबी हम जब जाएंगे सिक्का ऑटो डीलर के पास तो आना दौड़ करके, वो आया, मालिक मालिक आपके पुरन का कोट में 1000 का नोट है ना, उसको 2 रुपया का इनाम भी दिया था। यस, हु वाज मेड अ ड्राइवर इन जोधपुरी कोट एंड ऑरेंज टर्बन, इन चारों में से किसको ड्राइवर बनाया गया था जोधपुरी कोट में और ऑरेंज टर्बन नारंगी रंग का मुरेठा पहना करके, ड्राइवर किसको बनाया गया था मेरे बालक, जवाब दो। बोले थे ना चार दिन पांच दिन क्लास शॉर्ट ऑब्जेक्टिव कर लेगा तो खुद दे लगवाएंगे, अपने मन से तुम्हारे मन से नहीं होगा, जो क्लास का 20-25 दिन का है उसी में होगा, और तब तक गेस दिए हम एटम में, देखो वह छांटा हुआ है, जाकर ब्रिलियंट हो गया हम, देखो 200+ क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद भी लगवाएंगे, लेकिन धैर्य रखिए, नहीं तो जाकर कहीं और देखिए, है ना। तो नैरेटर को बनाया गया था मनोहर मालगांवकर को ड्राइवर, क्योंकि नानू काका तो खुद अपने जाने ही वाले थे मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में, लेकिन ड्राइवर बना दिया था उनको जब कार का मैनेजमेंट हो गया था, तब एक बगल कुछ किया नहीं, दूसरे बगल की मांग, छुलुर छुलुर नहीं करो, 4 से 5 दिन क्लास करोगे
पांचवा दिन अपने पाप डे फाइव हो जाएगा, हम खुद बोल देंगे आज लॉन्ग का टिक लगवा रहे हैं, फिर दो तीन दिन क्लास होगा कहेंगे आज शॉर्ट का टिक लगवा रहे हैं। धैर्य रख करके करो और नहीं तो कहीं और देखो। ठीक, जा करके द नरेटर वाज द नरेटर, इसमें से कौन था प्रोबेशन शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान? अंडर सेक्रेटरी था कि चीफ सेक्रेटरी था कि टाइपिस्ट था कि हेड क्लर्क था? चलो इसका आंसर अंडर सेक्रेटरी ए। हाँ गोविंद वगैरह ठीक बनाया है, बनाने पर ध्यान कम रहता बतियाने पर ज़्यादा, तब नहीं होगा। ठीक से काम कीजिए, एक टाइम एक काम। नानू काका वाज नरेटर्स, नानू काका नरेटर के क्या थे? फादर थे, ब्रदर थे, मैटरनल अंकल थे या ग्रैंडफादर थे? चलते रही 11 का, देखो स्टडी बॉय सी मार चुका है। ऐसे मारो ना, मारने में आगे रहो ना, गधा बतियाने में रहता है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, नानू का मेन कैरेक्टर किस लेसन के हैं? आर्टिस्ट, अर्थ, ए पिंच ऑफ स्नफ या फिर है ना डी नन। 12 का जवाब, 12 का चाहिए हमें, 12 का बी आ चुका ठीक ना। रेशु दे दिया, गोविंद भी दे दिया, बहुत लोग दे रहा धरा धर। सबका नाम सब में बड़ा मुश्किल है बाबू, तो करवाते रहेंगे 60 क्वेश्चन एक दिन में। हम चाहते हैं 60 क्वेश्चन का हो पैकेज, 59, 60, 55 प्लस, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए, तब ना लॉन्ग शॉट में जाओगे। एक तरफ एक ख़त्म नहीं हुआ, मैचिंग 10 नंबर रट लो, डे वन में है, डे टू से पोएम चला है, डे थ्री है, अतुअत्ते हल्ला, 5 क्लास बोले थे बिताओ। यस, ज़्यादा छटपटी हो तो देखते रहो किताब से रटो। नानू काका वेन टू, नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए किस ब्लॉक गए थे? साउथ, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ? चलें 13, वाह स्टडी बॉय शुभम, राहुल वगैरह सब बना रहा है। 13 का बी नॉर्थ ब्लॉक, थोड़ा ध्यान दोगे तो रटा सा जाएगा, और दिमाग में समझा हुआ चीज देखा हुआ चीज जल्दी भूलता नहीं है, और दो बार घर पर रिवीजन कर लो, डिवीजन पक्का होगा। यस, हु गेव 2 रुपीज नोट एज ए रिवार्ड, 2 रुपया का नोट रिवार्ड के रूप में किसने दिया? ऐसी क्वेश्चन में किसको दिया, किसको दिया तो धोबी को, और किसने दिया तो बताओ, अखे कितना रुपया का रिवार्ड मिला धोबी को? तो 2 रुपया का। एक एक लाइन को समझे हुए रहोगे तो क्वेश्चन किसी तरफ पलटेगा, आंसर वहीं होगा। तो किसने दिया था रिवार्ड? 14 का ए बोल रहा है ना, नैरेटर नहीं, नानू काका रिवार्ड दिया था। नानू काका जब चेक लेके आया तो नानू काका ने रिवार्ड दिया था। सरगम वगैरह का ठीक है ना, कन्हैया वगैरह का ठीक है, बहुत का ऐसे बनाओ जाओ एकदम ठीक से। अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा मैंने गमछा किसके द्वारा रखा गया था? अंगोछा महाराष्ट्र का भाषा है, अंगोछा किसके द्वारा रखा गया था? नंबर 1 द नरेटर टीसी या नानू काका? मेन हीरो नानू काका है, साइड हीरो बगल में नरेटर है, आंसर तो बनता ही है। देखो बबलू वगैरह को ठोक दिया है, 15 का बी। तब सरस्वती किसी की दास नहीं, बस जो साधना करेगा आराधना करेगा उसी का होगा, जाति रंग धर्म रंग रूप से उनको कोई मतलब नहीं है, साधो साधो भागो भागो। हाँ चलते रहो, ए पिंच ऑफ स्नफ एक कैसी स्टोरी है ठीक ना, पिंच ऑफ स्नफ एक कैसी स्टोरी है बउआ? देखो इसका आंसर बता दिए थे नरेटर, तो पिंच ऑफ स्टोरी बोरिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग यानी ह्यूमरस से गुदगुदी वाला आनंददायक, या चिल्ड्रंस स्टोरी है? जवाब दो 16 का भी, देखो ठोक दिया बबुआ। पढ़ाई में कंपटीशन आगे रखिए, कल इंटरव्यू में एक लड़का को एक मेंटर ने पूछा कि तुम आईएएस बनना चाहते हो? कहा जी मैं तैयारी कर रहा हूँ बढ़िया से, खूब पढ़ता हूँ। कहा कितने बजे सोते हो? कहा 11 बजे। उठते हो कितने? 7 से 8 के बीच। कहा रात में नींद खुलती है एक दो बार? तो नहीं। कहा छोड़ दो आईएएस की तैयारी, नींद नहीं उड़े, नींद नहीं खोए, बेचैन न हो, बेचैनी न हो, आराम सोए हुए हो, वो भी 8-8 घंटा, आईएएस का सपना छोड़ो, चैन बेचोगे तो मिलेगा तुम्हें सुकून, लंबा चैन। शुरुआत में बेचना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो बहुत का आंसर बहुत उम्दा है, सुधाकर साहु वगैरह का भी। चलो पंकज ये आंसर इंटरेस्टिंग है ठीक ना, हाईलाइट।
वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ह्यूमनिस्ट. इन चारों में से कौन है बहुत बड़े वक्ता, ऑरेटर मैंने वक्ता समझ लो, ह्यूमनिस्ट मैंने मानवतावादी. तो इनमें से देखो कौन है, गांधी जी, एच ई बेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के थे. मार्टिन लूथर को अमेरिका का ब्लैक गांधी कहा गया, परंतु इस लेसन के हिसाब से आपको आंसर 17 का ए बहुत लोग बनाया है, 17 ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर. बहुत अच्छा आंसर, इसका मतलब बहुत का तैयारी बहुत बढ़िया है. ये क्वेश्चन पूछा है द कंडीशन ऑफ द वाज अपालिंग, यानी अपालिंग मैंने वाज नॉट चेंज, बदला नहीं, किनकी कंडीशन नहीं बदले, किनका कंडीशन यथावत है. राइटर का आंसर है ना, अमेरिकन्स का, यूरोपियंस का या निग्रो का. 18 जवाब चाहिए. हाँ रिशु राजपूत बहुत बढ़िया. सुधाकर जो नंबर लेकर लिख रहा है उसी का एक दो का नाम बोलता. आलोक देखते हैं. हाँ निग्रो का, यूरोपियंस का नहीं, निग्रो का. मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे, मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे. 19 पर हम आ गए. मैं लेट हूँ आज क्योंकि मैं मार्केट में चला गया था, ये सब कहानी कहने के लिए क्यों बैठल है आदर्श. तुम बदमाश बच्चा है, कभी तुम ठीक से होता है टाइम पर. पल्लवी भी अटेंड कर रही है, कभी मैं देख रहा हूँ. स्वीटी, धनंजय, बबलू, मनीष, दिव्या, ठीक है. अंकेश एक बार देख लो, अब अंतिम घड़ी है, अंतिम तुम नहीं रहा साथ तो घबराने की रहेगी बात, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं जांचा जा रहा है, इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. मार्टिन लूथर कहाँ से बिलोंग करते थे, मेरा जवाब बहुतों का आया है, हीरो सबका अमेरिका. कौन इसमें से, इस लाइन तीनों में से कौन बोला है, मार्शल रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर्स ऑफ स्किन्स, मेरे बच्चों को न्याय उनके चमड़ा के रंग से नहीं किया जा सकता है ना, बट बाय द कैरेक्टर लेंस, की नैतिकता से किया जा सकता. इट इज नॉट इजी टू ब्लोम द निग्रोज, और निग्रो को उड़ा देना संभव नहीं है, संभव नहीं है, आसान नहीं है. उतना ही नहीं, देयर शुड बी सेम राइट सिटीजनशिप अपॉर्चुनिटी फॉर देम बिकॉज देयर ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड, उनको भी समान नागरिकता, समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान के सेम सेम बंदे हैं, वो भी वैसा ही बंदा. ये सब बात किसने कहा था, इन चारों में से ले लो, ठोक लो. 20 का आंसर आ गया ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. बहुत अच्छा, उम्दा आंसर आप लोग कर रहे हैं, जवाब नहीं है आप लोग का. कहा गया हमने सोचा था कि हम ही चाहते हैं आपको, आपके चाहने वालों का तक काफिला निकला, और करने चले शिकायत उस खुदा से, वो खुदा भी आपको चाहने वाला निकला. ऐसा आंसर दो फार के हम चाहेंगे ही. यस यस राम गोविंद. चलो नेक्स्ट. निग्रोज डिड नॉट, निग्रो मैंने काले हवसी लोग, तो निग्रोज डिड नॉट गेट फ्रीडम एंड दे आर लाइक द ऑफ अमेरिका. निग्रो को आजादी नहीं मिला, और अमेरिका के लिए क्या है, वो स्लेव्स, गुलाम हैं कि मालिक हैं कि बिजनेसमैन हैं, जवाब दो. 21 का कुछ लोग बी जवाब दे रहा है, 21 का स्टडी बॉय बी जवाब दिया, रेशु राजपूत ए जवाब दिया, दिव्या भारती ठीक ठाक है, चलो रंजन, हाँ बबलू ए आंसर अच्छा है, स्लेव्स गुलाम की तरह ट्रीट किया गया. Yes, is a desert state which will transfer into an oasis of freedom and justice. कौन सा इसमें से एक मरुभूमि वाली स्थल है जिसको बदल दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा into oasis of freedom and justice, न्याय और आजादी के मरुधान में बदल दिया जाएगा, है ना? तो मरुस्थल में मरुधान हो जाए, कहीं पर गार्डन हो जाए, पार्क के साथ कितना मजा आता है. तो इसको मिसिसिपी के बारे में बताया, अलबामा को डेवलप्ड बनाना चाहते थे, भटिंडा को नहीं, इसलिए यहाँ पर मिसिसिपी. यस आबडीम को कितने बार रिपीट किया गया है लेसन में, मैंने क्लास में भी बताया था, जो नोट्स देखे होंगे उसको भी मालूम हुआ होगा. अब नोट्स रिलीज हम करना शुरू कर दिए हैं, ऐप वाले को जो क्रैश कोर्स वाले हैं वो लोग बने रहें, इसको देखते रहें, और कुछ स्पेशल क्लास उसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, दोनों जगह बने रहें. चलिए, आवर ड्रीम हैज बीन रिपीटेड 8 times, 8 बार रिपीट किया गया है, 8 बार. आई हैव ड्रीम करके एक संजा में 8 बार, 8 times, ठीक है. बहुत का आंसर बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ लोग फिसल रहे हैं. इज स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, इन चारों में से कौन जगह ऐसा है
जो अन्याय के गर्मी से झुलस रहा है, स्वेल्टिंग हो रहा है, पिघल रहा है। चलो 24 का सी जवाब दे रहा, मिसिसिपी, बहुत अच्छा आंसर। सरगम उर्गम रिसु साहब ठोक दिया, हाँ मुस्कान, स्नेहा, सुमन, चलते रहो, दोस्ती उस्ती बाद में निभाना, अभी दोस्ती अपने रिजल्ट से रखो, पढ़ाई से रखो मेरे बच्चे। हाँ मिसिसिपी, हाँ हिंदी क्लास पहले इंग्लिश 10 दिन कंट्रोल कर लेते हैं, हम हिंदी अपने आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ की बैच 2 सप्ताह बाद विदा हो जाएगा, कभी कभी हिंदी हम भी लेंगे और जनार्दन बाबू से भी लिवा देंगे, ठीक है, एक एक करके ले लो, है ना। अब मार्टिन लूथर वाज बॉर्न एंड डाइड इन 1929 में पैदा हुए थे और 1900 कितना में मरे, वो आप लोग बोलिएगा। 25 का ए आंसर आ गया, बहुत का इतना हिंट कर दिया, देख लीजिए, ये 1947 में ऑर्डेंट बन गए थे, और उतना ही नहीं, इन्होंने निग्रो के सिविल राइट के लिए हल्ला भी उठाया, उनके आज़ादी चाहते थे, साथ ही ये बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे, ऑरेटर थे, और 63 में इन्होंने लंकन मेमोरियल हॉल में भाषण दिया था, 64 में इनको नोबेल पुरस्कार दी गई, 68 में इनको गोली मार दी गई, समझते हैं ना, तो 68 में मरे थे। लूथर डिलीवर्ड स्पेस इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, कितने अगस्त, कौन साल में ये लूथर, मैंने मार्टिन लूथर अपना स्पीच दिए थे वाशिंगटन डीसी में, बट रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1964, और 1964 में पॉइंट याद रखना, नोबेल पुरस्कार मिला, तो भाषण कब दिए थे, अभी तो हिंट किया था, लेकिन डेट याद रखना चाहते हो तो 28 अगस्त 1963, जवाब कुछ का आ गया है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 28 अगस्त 1963 को 64 में नोबेल पुरस्कार मिला, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। चलो, मार्टिन लूथर्स ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा, मार्टिन लूथर का एक सपना था अलबामा को कैसा नेशन बनाना, डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड या बैड या पॉपर, बने कंगाल, पॉपर नहीं समझ लेना, पॉपर मीन्स कंगाल, कैसा बनाना चाहते थे, जवाब दो मेरे बच्चे। 27 का ही आना शुरू हो गया, बस वैसे सबका जवाब देखने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, अब परीक्षा का टाइम है ना, कम समय में निकालना है, केवल ही नहीं घंटा डेढ़ घंटा कर देंगे डेटा मेरा तो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, तो हमको यूट्यूब से ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैं उस मूड का नहीं हूँ, क्योंकि कुछ पैसा मैं ले लेता हूँ ऐप पर, मैं कुछ बच्चे से डायरेक्ट, कुछ एटम बम के नाम पर मैं आपका चल जाता है, मेकअप हो जाता है, उतना बड़े भुखर नहीं है, बस काम चलाइए। यस एंड एज वी वॉक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ भी चुका है, एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डैट वी सेल, जैसे कि अब हम लोग चल दिए हैं तो हम लोग शपथ ग्रहण करते हैं कि हम लोग अब चलते ही रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए चलते रहेंगे आगे की ओर, आगे का अहेड होता है, इसलिए अब आप आंसर दीजिए 28 का डी आंसर, बहुत लोग बना चुका। देखिए तो कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो, कैसे नहीं बनेगा। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी में महसूस नहीं करना चाहते मार्टिन लूथर। 29 का इंपॉर्टेंट है, दाग लो, दाग लो। 29 का सरगम रेसो राम गोविंद सब आ रहा, पर पराकर पंकज सिंह स्वीटी, लड़कियां भी कम नहीं उनमें भी दम है, रिशु राजपूत, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है ना। डी रेशियल, रेशियल का मतलब होता है नस्लीय, नस्लीय भेदभाव नहीं चाहते थे, अरे गोरे काले में क्या रखा, अंदर तो सबका खून ला, जाति धर्म रंग में भेदभाव मत करो, देयर शुड बी नो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन, इट मीन्स देयर शुड बी नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके। चलिए अब बैंक ऑफ जस्टिस, लगता है कि न्याय का बैंक जो है ओ क्या हो गया है, निग्रो समुदाय के लिए 30 का मुस्कान भी मारी है, देखते हैं ए, वाह वाह आलोक, चलो रे साहब, भिराई ले रहता इसी पर उंगली रखोगे क्वेश्चन वहां पर तुरंत बनेगा, इधर उधर एटिंग चैटिंग बैटिंग, पहले टाइम था कुछ टीचर जान करके
फंसा करके बातचीत करते रहते हैं, समय 45 मिनट का डेढ़ घंटा कर देते हैं, सवा घंटा, अब आप लटके हुए हैं, तो आपका डेढ़ गुना बन जाता है डेटा और टीचर को फायदा हो जाता है। हम लोग ऐसा नहीं चाहता है, आपको टाइम से छोड़ेगा। अब मान लो खिचड़ी करके देंगे हम 20 क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन उसमें, दोनों हो जाएगा गचपच। 10-12 दिन ये बना लो, टिक मरवा देते हैं, फिर आपका हिंदी चलेगा, हिंदी 3 दिन खाली, 4 दिन इंग्लिश, 3 दिन हिंदी, बस आराम, 7 दिन रहना बिजी, टेंशन मत लो। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एस रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया, 31 का सी बोलता है लड़का, बर्टन रसल, इनको ही शॉर्ट में बी रसल भी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा उम्दा आंसर आ रहा, स्विटी वगैरह सब, प्रियांशु, सरगम, प्रदीप, शिवानी, AKM गेमिंग, अजय, आदर्श भी कूद पड़ा है ना, कुछ विशेष में उत्साह बढ़ा देते हैं, मनीष, राम गोविंद, चलते रहो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, ठीक ना। चलो, बर्ट्रांड रसल एक ग्रेट फिलोसोफर भी थे, फिलोसोफर रहेगा ऑप्शन ऑफ मारना, हिस्टोरियन मारना, मैथमेटिशियन तब मारना, कमेंटेटर एंड एडवोकेट फॉर, एडवोकेट थे सोशल रिफॉर्म के, कमेंटेटर जो कमेंट्री करते थे, ये बैडमिंटन का नहीं, ये कमेंट्री करते थे क्रिकेट का नहीं, ये कमेंट्री करते थे सेक्स पर में, मैरिज पर में, बुद्धिस्ट पर में, साइंस पर में, ठीक ना, बहुत सारे विषय वस्तु पर में कमेंटेटर थे, ये एक विद्वान आदमी थे, महान आदमी थे, ऑलराउंड डेवलपमेंट था, ये सोशल रिफॉर्म के लिए इन्होंने ये हम ही बना देते हैं, चूंकि तुम लोग को लेट लगा दिए। चलो, द डिस्कवरी ऑफ मेड पावरफुल एंड फियरलेस, कौन सी का खोज इसमें है जो मनुष्य को पावरफुल और फियरलेस बना दिया, निडर बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, ये लेसन वाइज है। अब इसमें से जो 2-4 क्वेश्चन काटे गए हर एक लेसन में, वो अपने यहाँ मॉडल में डाल दिया गया है, या डे 1, डे 2, डे 3 में, ताकि इधर उधर 80-90% इधर है, 10% उधर है। चलिए, सभी लेसन का बना लीजिए, बम बम कीजिएगा। तो फायर आंसर ठीक है, आग। मैन स्टार्टेड टेम एंड वर्शिप देम, मनुष्य ने किसी को पालतू बनाना शुरू कर दिया और उनका वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा करना शुरू कर दिया। हमें क्वेश्चन का नंबर देकर दीजिएगा, तभी नाम बोल पाएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसका आंसर है, जो शुरू से बहुत लोग ऐसे ही छोड़े हुए केवल देख रहा है। हाँ, जवाब दा, नहीं तो सुना, सुनते सुनते याद हो जाए, देखा, देखते देखते समझ जाएगा, ठीक बा, दोबारा तिबारा बनेबा, दिमाग में घुस जाए, और जब एक बार दिमाग में बढ़िया से घुस जाए तो निकली ना, ठीक बा। हाँ, देख लो, एनिमल्स, जानवरों, पशु में सब आ गया। आइडिया हेल्प्ड मनुष्य को मदद किया, मानव जाति को किसको मदद किया, जानवर को नहीं, संत को नहीं, चिड़िया को नहीं, मानव जाति में सब आ गया। ले भाई ले, जल्दी से दर्शन दो। फायर का यूज किस लिए किया गया, फायर का यूज जब बोलो इसका आंसर दो तुम लोग, सब हम ही देंगे। दीपक समस्तीपुर वाला, बहुत जवाब लेट दे रहा है इस बार, कोई बात नहीं, स्मिता भी आई हुई है, मनीष भी, ठीक है, रिशु, पिंटूस, शिवानी ए बोल रही है, यस ए ही होगा, ए ही आंसर होंगे इसके। थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ और इसका आंसर ये लेता हूँ हाईलाइट। बर्ट्रांड रसल क्या थे, है ना, कौन फिलिप्स पर, चाइनीज, जापानीज, ब्रिटिश या नन, चलो बताओ, चूंकि तुम पहले ही लाइन में पढ़ो, ब्रिटिश फिलोसफर थे, इसीलिए ब्रिटिश मारो मेरे बच्चे, नहीं मारोगे तो हम बता ही देते हैं, ये याद बहुत कम को है। द टेमिंग ऑफ एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, कौन सी का, कौन सा जानवर का पालतूपन बनाया मनुष्य को अधिक ही क्या लाइफ को प्लीजेंट, आनंददायक बनाया। तो डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक में कुत्ते, बिल्ली, गाय वगैरह आते हैं, इसको पालतू लोग बनाना शुरू किया और लाइफ थोड़ा प्लीजेंट ज़्यादा बनता चला गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये मैंने उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन पूछ देता है, तो वाइल्ड नहीं, जंगली नहीं, डोमेस्टिक। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया, ये भी 2 बार पूछ चुका है,
आओ जर्मन ग्रीर परलसबाग सिग्गा नोया की बटरान रसल। चलो भैया नहीं जवाब दोगे तो हम हाइये हैं तुम्हारे लिए बताएंगे। हाँ बटरान रसल सीधे लिख दिया है, नंबर नहीं ठोकता है। 20 है ना, सेट टू में आ गए। बटरान रसल, बी रसल। बटरान रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बटरान रसल को नोबेल पुरस्कार मिला था किस इसी में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिवानी क्या है रे, बात करता है रे सिंह मोनू, इसीलिए पैदा लिया गधा। 1950, बहुत लोग अच्छा जवाब दे रहा है। कुछ लड़का अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है और कहता हमें तो लूट लिया है ना, तिरछी तिरछी बालों ने पहाड़े बाल। बालों और गालों में क्यों रहते हैं, यहाँ कमालों कीजिए ना। यस एन आर्टिस्ट एक स्टोरी है जो किसके द्वारा लिखी गई, जवाब दो। कुछ लोग आकाश को भेदने में लगा हुआ है, कुछ लोग पाताल को चीरने में लगा हुआ है, कुछ लोग अपना परिणाम को देने के लिए तैयार है, और तुम किसी और के फेरा में कैसी हो गधा। वाल्टर डेला मेयर दिखाई पड़ता है। चलो आर्टिस्ट सिग्गा नोया, यस 11 का आंसर तुम्हारा हो है ना, डी सिग्गा नोया। यस बहुत अच्छा, गुड। बस यही से टू होते होते से लास्ट हो जाएगा। सेवई कितना साल का लड़का था, तो 12 साल का, ये जवाब मिल गया। लेकिन कहाँ का बॉय था, जापानीज इंडियन चाइनीज या यूरोपियन, जल्दी जवाब दो। हाँ सिंह मोनू काम बोलिए, बोलेंगे नहीं जवाब तेरा कैसे पहुँचेगा, तो बतियाने में लगल रहता है। आगे बोल देखिए, ठीक है ना, ये सेवे जापानीज लड़का था। सेवेज हॉबी हुआ, सेवे का हॉबी जो था शौक वो कौन सी का था, मनी जमा करने का, कद्दू खिलौना, ये सब क्वेश्चन मिलेगा नहीं बनाएगा समझो सुपर हो अकर्मल, पढ़ते ही नहीं हो साफ तो कैसे बनेगा। देखो हमारे यहाँ वीर बहादुर सब है, पर पढ़ा दिया। हाँ गोट्स कद्दू। सेवे वॉज इंटरेस्टेड इन या पर्सनेटली, उसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के पूछा। सेवे को बहुत ज़्यादा लगाव था या इंटरेस्ट था, उसको रुचि था गोट्स में या कलेक्टिंग गोट्स कद्दू के संग्रह में, जवाब वही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा भाव बदल दिया, लेकिन बात एक ही पूछ रहा है, पूछने का ढंग बदल दिया। हाईलाइट करो, सेवे वॉज ए स्टूडेंट ऑफ, सेवे कहाँ का विद्यार्थी था, प्राइमरी का, मिडिल का, हाई का या कॉलेज का, देखना है। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, आइए मारिए, आंसर चाहिए मेरे को। 16 नहीं 15 का आंसर, 15 का आ गया प्रदीप। वाह प्रदीप तू तो अच्छा दीप जला दिया, और भी लोग बबलू उबलू सब जवाब दे रहा प्राइमरी, और जब इतना लोग दे रहा भाई तो हमको देखना पड़ेगा। द टीचर सी द गोड एंड गेव टू ए, टीचर ने गोड कद्दू को छीन लिया, जब्त कर लिया और किसको दे दिया। नंबर एक वह टीचर जो था किस विषय का, एथिक्स नैतिक शास्त्र के टीचर थे, ये भी पूछ देगा तो एथिक्स टीचर। तो आइए इन चारों में से आंसर आप लोग का कौन सा हो रहा है 16 का। चलो सरगम बी बोल रहे हो, तुम्ही पर हम मार दिए दाव खेल दिए, इतने लड़के को कह दिए जो वही बात मानो। चलो द टीचर कंप्लेन टू सेवेज, टीचर ने सेवे के किसको जाकर कंप्लेन किया था, याद रखो 17। चलो फादर से किया, मदर से किया, ब्रदर से किया, किससे किया, हमें 17 चाहिए। आदर्श वर्धन ठीक है, आलोक हाँ, ऋषु राजपूत, बबलू, स्वीटी, मदर से किया, गया था बाप से कहने, लेकिन बाप कारपेंटर शॉप पर थे, कारपेंटर शॉप पर काम करते थे, उसे कहाँ काम करते थे कारपेंटर शॉप पर, उनके पिताजी आए सुने असीरे काल पकड़े, मारते उसके लाया हथौड़ी और सारे कद्दू को दिया चूर चूर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सब मेन मेन पॉइंट याद रखो। एक दिन सेवे ने देखा गुड एंड बाउट इट, किसने कितना इंची लंबे कद्दू को देखा और खरीद लिया, साइज याद होगा। चलो जल्दी बोलो,
हाँ सब लोग जवाब दे रहे हैं 18 का, बहुत उम्दा आंसर 18 का ठीक आ रहा है। ए जवाब बहुत का रहा है, 5 इंच कद्दू को देखा था। ये नहीं जी एक लड़का बोला सर 5 इंची कद्दू उस दिन देखा, नमर के 8 इंची हो गया। जी नहीं, नमारो मारो नहीं, आंसर को याद रखो। द पोर्टर सोल्ड द गोट टू द क्यूरियो डीलर फॉर, अब पोर्टर ने बेचा था, क्यूरियो डीलर जो कलाकृति के सामान खरीदता बेचता उसको क्यूरियो डीलर कहते हैं, उसके हाथ में पोर्टर ने कितने येन में बेचा था। येन करेंसी होता है और सेन उसका यूनिट होता है, ठीक ना। ओके 50 येन, वाह क्या लड़का सब कमाल करता है, ऐसे तू बनाओ ना तब रिजल्ट खोजना। द क्यूरियो डीलर सोल्ड इट टू ए वेल्दी कलेक्टर, और क्यूरियो डीलर ने एक धनी संग्रहकर्ता के हाथ में उसी कद्दू को 50 में जो खरीदा उसको कितना में बेचा था। भाई संध्या भारती आ गई, तुम भी बहुत लेट, आलोक दिव्या भारती, दो दो भारती है, ठीक है। अजय बबलू गेमिंग मनीष अजय 9 वेस्ट इंडीज, वाह प्रदीप स्वीटी गोविंद अजय सरगम अस्मिता आईएस लवर शिवानी कन्हैया सरगम, सब बहुत लड़का है। एमडी नसीफ, चलो खूब बढ़िया, 500 ने 600 इन 12 गुना ज्यादा में, ठीक है। सेवे लिव्ड इन ए कौन टाउन में रहता था, सेवे नाइस टाउन में या हार्वर्ड टाउन में या बीजी टाउन में, हार्वर्ड में बंदरगाह वाली शहर में। सेवे अपने माता पिता के साथ, हाँ याद है अभिनव आनंद ईश्वर, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं ए, कुछ लोग सी सी वाले गलत। आइए बीजी शहर में नहीं, हार्वर्ड बंदरगाह वाली शहर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। ठोक के पढ़ा लोग, जवाब दा एकदम झाड़ के, पानी में आग लगावा लोग। सेवे के पिताजी कहाँ काम करते थे, है ना, कारपेंटर के शॉप पर में या मैसन राजमिस्त्री के शॉप पर में या गोल्ड स्मिथ सोनार के, या कारपेंटर का मतलब होता बढ़ई के दुकान पर। बहुत बढ़िया जवाब आना शुरू हो गया प्रदीप, तुम भी आजकल ठीक हो, देख रहे हम टेक्निकल सुधाकर। हाँ AKM, ठीक है AKM गोविंद, 22 का बी बोल रहा है सब लोग ज्यादे आगे, आंसर आप देख लो। हु ग्रैब्ड, कौन जोर से पकड़ा, सेवे, सेवे को बाय द कॉलर, कॉलर जोर से पकड़ा एंड गेव ए साउंड बीटिंग, खूब जोरदार पिटाई कर दिया एंड स्मैश्ड ऑल गोट्स, सारे कद्दू को चूर चूर कर दिया। ये सब टुकड़ा करके भी क्वेश्चन पूछा कौन कद्दू को चूरा, तो भी आंसर वही, कौन कॉलर पकड़ा वही, कौन साउंड बीटिंग दिया खूब जोर से पीटा तो वही, वही कौन था, 33 का बी आंसर दे रहा उसके पापा, बहुत अच्छा आंसर आ गया। ही फेल्ड टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, वो कद्दू में छेदा करने के बाद बीज निकालता था और उसके दुर्गंध को हटाने के लिए एक चीज का पत्ती का उपयोग करता था, वो पत्ती कौन सा था जवाब दो, कॉफी का पत्ती, चीनी का पत्ती, चीनी का पत्ती होता है लेकिन टुकड़ा, साल्ट नमक या टी लीव्स चाय पत्ती, कौन सी डालता था। ग्रामर वीक है सर, तो आप क्लास किए होंगे तो बनेगा, नहीं क्लास किए तो वीडियो देखिएगा डायरेक्ट समझिएगा, दूसरा क्या उपाय, पढ़ने टाइम में कांची मलते हैं, ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव होगा। टी लीव्स, थोड़ा पढ़ाई चाहिए, ये सब फिनिशिंग है, बिना पढ़ाई वाले के लिए थोड़ा दिक्कत है। सेवे वाज द कैरेक्टर ऑफ, सेवे किस लेसन का कैरेक्टर था बताएंगे तो उसका नियम अपने आप समझ जाओगे, जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो रूल बोलते हैं, है ना पंकज पटेल। खेल करते रहो, किताब ले लो और डायरेक्ट बनाते रहो अपना पतला वाला, मोटा मोटा पढ़ने का टाइम नहीं है। सेवेज कैरेक्टर कौन सी कैरेक्टर है, ए 40 बॉन्ड द अर्थ आर्टिस्ट, अरे सेवे जो है आर्टिस्ट में था। चलो सीगाना या शॉर्ट स्टोरी राइटर कहाँ के थे, उसी देश के नाम से संबंधित हैं, जापनीज राइटर थे कि मलेशियन थे, जापनी चाइनीज थे या कोरियन थे या अफ्रीकन थे, अमेरिकन थे, इंडियन थे, एगो थे, कौन थे बता दो भाई। हाँ 26 का भी बोल रहा है आदर्श, देखते हैं लगता है आजकल पढ़ने पर ध्यान दिया है, सिंगल बॉय भी, स्वीटी ठीक है, हम देख रहे हैं यशु राजपूत, पंकज सिंह, मनीष कुमार जवाब दो 27 का भी ठीक है। सेवे वुड एग्जामिन दो एज सुन एज ही गॉट अप, जितना जल्दी उठता था सेवे एग्जामिन करता था, परीक्षण करता था आखिर किस चीज का परीक्षण, गोट्स का
कद्दू का कि किताब का कि पेंटिंग का कि फूड का, जवाब दो, आंसर प्लीज। पॉइंट 7 के जवाब आ रहे हैं ए, ऋषु राजपूत, शिवानी, नसीफ, है ना, सब लोग अच्छा जवाब दिया, उम्दा आंसर। हमें लगता है आप लोग रात बेचते हो, दिन खपते हो, इसलिए आंसर आ रहा है। बस दो तीन क्वेश्चन और है, दूर हो गया, सेट टू समाप्त 2 मिनट में। अ चाइल्ड बॉर्न इन एस रिटन बाय चाइल्ड बॉर्न, एक बच्चा को जन्म दिया जाता है, एक ऐसे है जिसको लिखा गया किसके द्वारा, 29। हाँ ठीक है सरगम, यदि 95 लाना है तो थोड़ा सब्जेक्टिव पर भी हिंट करेंगे, 2-3 दिन के बाद जवाब देना है, और कैसे कैसे लिखना कॉपी सब बताएंगे, आ ही जाएगा, बहुत को आता है, लेकिन मेहनत करो, बिना मेहनत के नहीं, हम ठगने वाला काम नहीं करेंगे। जर्मन ग्रीर, यस, ये जर्मन ग्रीर बोलना, गियर नहीं पढ़ लेना, इसी को शॉर्ट में जी ग्रीर कर देगा, उससे मतलब नहीं। बस 2 क्वेश्चन दूर हो। जर्मन ग्रीज एन राइटर या फेमिनिस्ट राइटर, फेमिनिस्ट नारीवादी लेखिका को कहते हैं, राइटर थी या फेमिनिस्ट राइटर, नारीवादी लेखिका थी, लेकिन इंडियन थी कि अफ्रीकन थी, ऑस्ट्रेलियन थी, अमेरिकन थी, जापानीज थी, चाइनीज थी, ये जवाब आपको देना होगा। ठीक है, नंबर कैसे आएगा, जैसे लिखेगा वैसे आएगा, हम तरीका बताएंगे, अभी कुछ नहीं, बस पढ़ते रहिए जवाब आएगा, नहीं पढ़िएगा बातचीत करने में लगिएगा कुछ नहीं आएगा। यस, ऑस्ट्रेलियन राइटर थी ये, गुड। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6, 5-6 साल उम्र के तक बच्चे को देख रेख किया जाता है, किस देश में, आंटियों के द्वारा कहानी कहा जाती है, उस कहानी कहा जाता है फेयरी टेल, है ना, यानी रूप ठोका, तो ये बांग्लादेश, जवाब अच्छा आया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्लास हम लेंगे बाबू इस शनिवार को नहीं, चूंकि बच्चे लोग का टूर प्रोग्राम है हमारे स्कूल में, संडे तो संडे को छोड़ दिए हैं। टाइम आपका 3:15 होगा, जवाब हम दे रहे हैं, देखिए जरा, और थोड़ा सा इसको लॉक लगाने दीजिए ताकि हम आपको लिख सकें और बाय बाय कर सकें। समय 3:15 ही रहेगा, 15 से 18 एक दो मिनट लेट सेट लेकिन चालू हो जाएगी, एक आध दिन लेट कभी कभार हो जाए तो रुके रहिएगा। और मंडे को लेंगे क्लास, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन लगातार, अगले सप्ताह में 4 दिन, अगले सप्ताह का 1 दिन पीछे का इसका बाकी है। ये 3 क्लास लेते लेते हम 4th क्लास में बता देंगे, पहले पोएम का लॉन्ग में, फिर घुसेंगे अगले 2 दिन पढ़ा करके, फिर शॉर्ट में, अपने आप हम कराते चलेंगे, ठीक हूँ, ठीक ना। अगला में होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, 1 दिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और फिर 2 दिन होगा पोएम, और फिर 2 दिन होगा प्रोज। हमको लगता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो 1 से 2 क्लास में समाप्त, और 2 क्लास पोएम होगा उसको पोएम में पूरा समाप्त, और तब 2 क्लास जो होगा उसको प्रोज समाप्त। बीच में का दिन लेट सेट होगी तो हम उसमें करा देंगे, टिक लगवा देंगे, इसलिए आप बने रहो, 2-3 सप्ताह ही बनाने दो, 2-3 दिन बेचैन होते हो। बाय समस्तीपुर, बाय इंडिया, बाय बिहार।